हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक दैट इज डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है फसल पौधों का पालतू बनाना और परिचय। सो लेट्स स्टार्ट डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सेलेक्टिंग प्लांट्स टू इंक्रीज देयर सुटेबिलिटी टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट, यील्ड, स्टोरेज एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। देयर इज इंक्रीजिंग एविडेंस that crop domestication can profoundly alter interactions among plants, herbivores and their natural means फसल पाककरण पौधों के लिए मानव की आवश्यकताओं के प्रति उपयुक्तता बढ़ाने के लिए कृत्रिम रूप से चयन की प्रक्रिया है। इस बात के बढ़ते परिणाम है कि फसल को पालना पौधों, शाकाहारियों तथा उनके प्राकृतिक शत्रुओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बदल सकता है। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इज स्टिल बीइंग डन एंड इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर। दिस इज बिकॉज द ह्यूमन नीड्स एंड लाइकली टू चेंज विद टाइम। इट मीन्स जंगली प्रजातियों को पालतू बनाना अभी भी किया जा रहा है और भविष्य में लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव की जरूरतें समय के साथ बदलने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डोमेस्टिकेशन। मीन्स पालतू बनाने के प्रकार, फर्स्ट है इंसिगेंटल, आकस्मिक, सेकंड है डायरेक्टिव, इट मीन्स निर्देशित, है एग्रीकल्चर, कृषि। नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड डोमेस्टिकेशन स्टार्ट, पालतू बनाना कहाँ से शुरू हुआ। तो ग्रेन्स ऑफ राइ विथ डोमेस्टिक ट्रेड्स रिकवर्ड फ्रॉम 11,000 BC। इट मीन्स राई के दाने घरेलू लक्षणों के साथ 11,000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त हुए थे। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।